मुझे पैकिंग करने में पूरा आधा घंटा लगा। बाय बाय जोना बेटा। तो गाइस सुबह के बज गए 6। पापा ने इसको धूप दिखा रहे हैं। अब सोने नहीं दे रहा, मुझे नींद आ रही है। तो हमारे घर में चली गई है लाइट। तो बिना लाइट के हम दोनों क्या गले। तो अभी हम निकल चुके हैं भैया शॉपिंग करने के लिए। प्यारा बच्चा लग रहा है। भैया मेरा लहंगा आपकी तरफ से है। तो यहाँ पर ना इसके पापा इसको संभाल रहे हैं। आज तो मान गए पापा जी आपको। तो गाइस बहुत ही दुआओं से जैद को यहाँ से मांगा है। आपका भी झाड़ा लगवाएंगे आज। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करते हो आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप सबको पता है जतिन भैया की होने वाली है सेकंड मैरिज। तो अरमान जी और गोलू जी जा रहे हैं। गोलू जी वहां से निकल गए। गोलू जा रहे हैं शादी के लिए शॉपिंग करने। अभी ना इतने छोटे से बैग में इसलिए पैक नहीं किया क्योंकि ये जाएंगे और आ जाएंगे, सिर्फ शॉपिंग के लिए जाना है। भैया जतिन भैया भी साथ में जा रहे हैं इनके। ये है गोलू का बैग और इस पे इसका नाम लिखा हुआ है। ये जो बैग है ना ये हमें बहुत पहले आया था पर कभी यूज नहीं हुआ। पर अब बच्चे के साथ सफर करेगी ना तो इसके अंदर आधा सारा सामान आ जाएगा। साथ ही साथ ये वाला बैग भी है, इसमें जैद के सारे कपड़े हैं ताकि रास्ते में लड़का तंग ना करे बिल्कुल भी। ये हमने इसके लिए पॉरेज और सेरेलैक के लिए खाने के लिए डब्बा पाइप वगैरह सब कुछ इसमें, कंबल वगैरह सब कुछ इसमें पैक कर दिया है ताकि रास्ते में ये वाला बैग जो है गोलू के पास ही रहेगा सीट पे। इसी में से जो भी सारा सामान इस्तेमाल हो। तो गाइस मुझे पैकिंग करने में पूरा आधा घंटा लगा। मेरी पैकिंग करने में मुझे 10 मिनट लगे, बाकी जो टाइम है ना सारी जैद की पैकिंग में लगा। बच्चों की जो पैकिंग होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि ना बहुत सारी चीजें रखनी होती है, डायपर ब्लैंकेट। अभी मेरे को एक चीज याद आ गई कि जैद का सोप रह गया क्योंकि जैद को मैं लाऊंगी तो सोप होना भी जरूरी है। और साथ ही साथ मैंने उसके लिए सॉक्स रखी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। 2 विंटर की कैप रखी, सारे विंटर के क्लोथ्स रखे हैं। बाय बाय जोना बेटा। गोलू वाली टोपी पहना है इसको, गरम वाली वो निकाल के रखी थी मैंने, वही पहना है इसको। एसी चल रहा है, ठीक है। बाय भैया, अच्छे से शॉपिंग करके आना। भैया मेरा लहंगा आपकी तरफ से है। ठीक है, डन। बाय पायल। चलो आर यू रेडी, रेडी फॉर द ट्रिप? चल ठीक है पायल, बाय। मेरे को बाय, वो अपनी तरफ करके मेरे को बाय। बाय 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 मिट्टू, बाय सोना बाबू। सुनो इतना इंतजाम करा है इसकी सीट का, इसकी आंखें तो जाग रहे हैं। तो सोने दे रहा है इसको, धूप परेशान कर रही है। तो यहाँ पर ना इसके पापा इसको संभाल रहे हैं। मेरे को दे दो, मैं कुछ खा ले। तो मुझे कह रहे पहले तू कुछ खा ले फिर खाऊंगा मैं। तो गाइस सुबह के बज गए 6 और इतनी ज्यादा ठंड लग रही है ना यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि ना बस ठंड आ ही गई है। तो चीकू के पापा ने बिल्कुल जैद को कवर कर लिया और बोला गोलू तू इसकी जो ड्यूटी है ना मुझे दे दे, मैं इसे संभालूंगा पूरा टाइम। मैंने बोला ठीक है आप संभालो। तो गाइस फाइनली पहुंच गए संदीप भैया के घर पर और जैद को मैंने आते ही ना यहाँ पर सुला दिए। टच वुड पूरे रास्ते जैद सोता है, बिल्कुल भी तंग नहीं करा क्योंकि रात का सफर था ना। रात को ऐसे भी बच्चे अक्सर सोते है ना, और मैं नहीं सोई पूरे रास्ते। अभी आपको लग रहा होगा मेरी आंखों से इतनी तेज नींद आ रही है ना, मुझे मेरी आंखें नहीं खुल रही क्योंकि पूरे रास्ते पता नहीं नींद ही नहीं आई मुझे। खराब आ रही है मुझे बहुत तेज नींद। तो मैं तो सो रही हूँ 2-3 घंटे गाइस और फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर अपना मैंने बैग रख दिया है और जैद का बर्फ टावल है ना वो भी यहाँ पे रख दिया है। इसके पिलो लेकर आई हूँ मैं, पिलो भी नहीं सो रहा। गुड मॉर्निंग मेरा बेबी। तो मम्मा ना जैद के लिए सारे टॉयज लेके आई है घर से ताकि जैद को लगे घर पर है ना। पागल बना रहे हो क्या मेरे को है? चाय बनी है बहुत ही बेहतरीन, सर्दी लग रही है ना यहाँ पे है ठंड। एसी भी नहीं चलाया आज तक। पापा ने इसको धूप दिखा रहे हैं, ये कह रहा है कि पापा मैंने पूरे रास्ते तंग नहीं करा आपको। ये बात बिल्कुल सही है, अब तो करूंगा मैं। अब सोने नहीं दे रहा, मुझे नींद आ रही है। कैसे लग रहा है? आंखें नहीं खुल रही इसकी। आपके नाक पे कितना ज्यादा हो गया है ना बेटा, ये क्या हो गया है? हो जाता है कभी कभी। और आपके मोस्टली नाक पे होता है ना, क्या हो गया बेटा आपकी आंख नहीं खुल रही? क्या बकवास मत करो मेरे साथ। तो इसके पापा कह रहे हैं कि ना इसको ना विटामिन डी देता हूँ मैं अभी। मैंने बोला विटामिन डी ना सुबह सुबह देते हैं, कह रहे इसके लिए विटामिन डी अभी उठा है ना। तो बेटा कहीं रोने ना लग जाए धूप ज्यादा देख के, ये आज तक पार्क में गया भी नहीं है पता है। ठीक है चलो मैं भी। इतना खुश हो रहा है ना, इतना खुश हो रहा है लग नहीं रहा, यही वही लड़का जो भी रो रहा था ऊपर है। जरूरी था ना घुमाना। हाँ फुल खुश है, झूले खिला के लाता है। अच्छा एक बात बताओ सुनो, अगर हम कश्मीर में होते तो इसको एक टोपी की जगह कितनी टोपी बनानी पड़ती? तो हमें एक ही पहनानी पड़ती पर वो सर्दियों वाली पहनानी पड़ती। हाँ ऊनी टोपी, ऊनी टोपी, कपड़े, जुराब, सॉक्स, लपेट के पता नहीं क्या क्या चीज है। जैद आपको ले चलो कश्मीर, मम्मी गई थी एक बार घूमने, वहीं से लेके आई थी हमें बता दे। मेरे साथ ना कुदरती ऐसा हुआ था जब मैं कश्मीर गई थी ना, जैसे ही कश्मीर से आई वापस ना मैंने प्रेगनेंसी चेक करी ना तब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तब से बार बार बोलते हैं कि तू कश्मीर से लेकर आई है, कश्मीर से जीरकपुर ले आई इसको मैं। गाइस यहाँ पर ना जैद के ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और उसका ब्रेकफास्ट का स्पून तो देख लो एकदम छोटू सा। तो दिस इज योर ब्रेकफास्ट टाइम, दिस इज योर ब्रेकफास्ट टाइम, वेरी गुड।
सो गाइस जैद ना पूरे 6 महीने का हो गया आज पूरे, और 6 महीने के अंदर एक बार भी ना मैंने जैद को हिलाया नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि सारे काम पसंद है पर डर लगता है हिलाती हुए। तो आज मैं सोची हूँ कि ना मेरे सामने शिकू के पापा बैठे हैं, आज उनको भी हटा दिया जाए जैद को हिलाने का। हिला देते यार, क्या बात कर दी, छोटी सी बात है। तो भैया कैसी नींद आ रही शादी के चक्कर में? बस आप शॉपिंग करने चलेंगे, ठीक है? तो एक काम करते हैं, ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं फिर शॉपिंग। हाँ भैया ये तो है, ये तो है, मेरे को भी बहुत अच्छी नींद आई। तो गाइस ये बात ना बिल्कुल सच है, आप जितने मर्जी 5-स्टार होटल ले लो पर आपको नींद इतनी अच्छी नहीं आती जितनी अच्छी नींद ना घर पे आती है। ये बात है ना, हमेशा आपको अच्छी नींद घर पर आएगी। तो यहाँ पर ना 2 प्याज ले लिए, तो अभी मैं करने जा रही हूँ शॉपिंग और मेरी मदद करेंगे सूरज भैया, और हम बनाने वाले सबके लिए सूरज भैया के फेवरेट ब्रेड ऑमलेट। आज भैया रेसिपी दे देना ब्रेड ऑमलेट की। तो गाइस मैं जितना मर्जी ना अच्छा कुकिंग कर लूँ, बट जो सूरज भैया ब्रेड ऑमलेट बनाते हैं ना वो वर्ल्ड बेस्ट ब्रेड ऑमलेट होता है, वर्ल्ड बेस्ट। मतलब वैसा ब्रेड ऑमलेट मुझसे नहीं बनता, पता नहीं कभी ऑमलेट टूट जाता है तो कभी ब्रेड सड़ जाती है। तो भैया सबने ट्राई करके देख, बट आज आप टेक्निक दे देना, ठीक है? भैया टेक्निक बता दो ऐसे एकदम शॉर्ट में कि ब्रेड ऑमलेट अच्छे से बन जाए, बताओ क्या। सबसे बड़ी चीज है कि आप पहले बर्तन देखो, आपको बर्तन का साइज कौन सा है उसके हिसाब से आप अंडे डालो। अगर एक अंडा आप इसमें डालोगे तो वो फटेगा ही फटेगा, ठीक है? इसलिए 3 अंडे कम से कम आपको फटने पड़ेंगे प्याज के साथ, और मक्खन को पूरी तरह फैला दो उसको अच्छी तरह, और उसको अच्छी तरह गर्म मत होने दो। अगर ये गर्म हो गया ना पूरी तरह तो या तो आपका अंडा जल जाएगा या फट जाएगा। फिर उसको उसको ऐसे डाल दिया, सीखने दो क्योंकि हल्का सा थोड़ा सा ना डार्क हो जाएगा। कोई ब्रेड लो और ब्रेड को उसके ऊपर रख के पलट दो ताकि दोनों साइड अच्छे से पक जाए। तो साथ साथ ना मैंने ना बर्तन भी साफ कर दिए, 2-4 बर्तन थे ना वो भी निकाल दिए, और यहाँ पे ऑमलेट बन रहा है। जतिन भैया और चीकू के पापा का हो चुका है, तो बस अभी मैं और भैया खाएंगे। और भैया इतना टेस्टी लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है यही खा लूं फटाफट, खा लो तवे के ऊपर ही। ये जो लड़का है ना ये शोधी नहीं है, ये मामा को पहचान गद्दी है। तो गाइस मेरा शावर हो गया एकदम डन, और अभी जैद को शावर नहीं दिया। मैं सोच रही हूँ कि शायद शावर ना ही दूं, क्योंकि मैंने सोचा कि ना यार मौसम वैसे भी थोड़ा ठंडा और है, एक दिन शावर नहीं लेगा ना जैद तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसके पापा भी सो रहे हैं और हम दोनों बैठ के खेली खेली कर ले हैं, क्योंकि ये सोता नहीं है, ये नहीं सोएगा तो मैं कैसे सोऊंगी। तो हमारे घर में चली गई है लाइट और जैद यहाँ पे अभी अपने रैटल्स के साथ खेल रहे हैं। हाँ जी सोनी कुकी, पता मैंने अभी गाइस कोशिश करी थी सोने की पर ना मैं सो ही नहीं पाई, मेरे को इतना ज्यादा ड्राई कफ हो रहा है ना। अब तो कोल्ड कम हो गया पर ड्राई कफ इतना ज्यादा है, कोई होम रेमेडी बताना। मतलब मेरे थ्रोट में इतनी ज्यादा इचिंग हो रही है और इचिंग की वजह से ना ड्राई कफ नॉन स्टॉप हो रहा है। तो बिना लाइट के हम दोनों क्या गले, हमें समझ नहीं आ रहा, हम यहाँ से वहाँ घूमी घूमी कर ले, हमारे पास कोई काम नहीं है, बताओ क्या गले। काश गाइस जैद बोल पाता तो बता देता कि मामा का गले। आप अपने भाई बहन को मिस कर ले हो, तूबा यान को मिस कर ले हो। अभी मैंने वीडियो कॉल करी थी थोड़ी देर पहले गाइस, तूबा को हंस रही थी, मतलब मैंने मेरी आवाज पहचान रही थी, मैंने बोला तूबा तूबा रानी तो हंस रही थी दीदी। और गाइस मुझे ना एक चीज और पूछनी है आपसे, मुझे ना देखो हर चीज का ना पता होता है कि मेरी जो पब्लिक है हमारी जो ऑडियंस है वो हर एक चीज का जवाब देती है अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो। जैद है ना उसका हल्का सा जो हेड है ना फ्लैट हेड है पीछे से देखो, मतलब कि ना उसकी हेड की जो शेप है ना हल्की सी डिफरेंट है। इसके लिए क्या करूं कि ना इसका जो फ्लैट हेड है वो राउंड हो जाए। 6 मंथ्स का हो गया और 6 मंथ्स के अंदर ना कहा था डॉक्टर ने धीरे धीरे जैसे इससे बड़ा होगा ना वैसे अपने आप ठीक हो जाएगा, मुझे अभी लग नहीं रहा कि ठीक हो रहा है। तो आप बताना ये कब तक, किसी बेबी का अगर फ्लैट हेड होता है वो कब तक ठीक होता है, और उसके उसके लिए क्या करना होता है राउंड करने के लिए क्या करें। तो अभी गाइस थोड़ी देर पहले रो रहा था, अब चाचू के पास आए ना फुल खुश है, कुछ चाहिए घूमना चलो घूमने, आज इसका स्टॉलर नहीं है ना भैया, आज चाचू बन गए इसके स्टॉलर। तो गाइस मैं ना बाहर आई थी, और बाहर आते ना मैंने ना एक तो बॉडी वॉश लिया क्योंकि मैं लाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा ये ले लेती हूँ, और साथ ही साथ ना नेजल ड्रॉप्स लिए क्योंकि जैद के लिए नेजल ड्रॉप्स लाना मैं घर से भूल गई थी। इसका जो नोज है ना वो हल्का हल्का ब्लॉक सा लग रहा है, तो मैंने कहा चलो नेजल ड्रॉप्स ना डाल देती हूँ, कोई भी लापरवाही नहीं करती हूँ। और वहां पर ही मुझे सैलून मिल गया, तो मैंने अपने बालों का भी करा दिया ब्लो ड्राई, क्योंकि ना जब तक बाल सेट नहीं होते ना तब तक अच्छी लुक नहीं आती, तो मैंने कहा अच्छी लुक बहुत जरूरी है इसलिए बाल सेट करवा दिए। तो अभी हम निकल चुके हैं भैया शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पर राजा हिंदुस्तानी हो गया बिल्कुल रेडी, और आज इसके कपड़े गोलू ने कुछ ज्यादा बड़े बड़े उठा लाए थे ना सारे। मैंने आज बहुत परेशान हो गया सच में, इतना इरिटेट हो गया, रोने लग गया था। मैंने इसके 3rd जोड़े चेंज करे, पहले पहनाए एडिडास वाले वो उसको लूज थे, फिर एक जीन्स पहनाए फिर वो उसको लूज आ गई, अब ये सेट पहनाए सही आया है। देखो नाराज हीरो आज तो मान गए पापा जी आपको दिया हुआ
सुला दिया। नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सब? तो अभी हम लोग पहुंचे हैं जैद को मत्था टिकवाने के लिए निजामुद्दीन दरगाह। चले बेटा, चलो। तो गाइस बहुत ही दुआओं से जैद को यहाँ से मांगा है, तो सोचा एक काम करते हैं, जैद को मत्था टिकवा देती हूँ। पहली बार आया है दरगाह पे और बहुत ही खुश अपने पापा के साथ है। तो हम लोग पहुंच गए गेट पे और ना इतना प्यारा बच्चा लग रहा है, इतना प्यारा, कैसे लग सकता है, शर्मा गया। हेलो भैया, कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। तो भैया मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कितने टाइम बाद आए हो। मैंने कहा मैं एक बार आई थी भैया, जैद होने के बाद भी आई थी, बट जैद पहली बार आए। आप सारी बातें सुन रहे हो, ये झाड़ा लगवाएंगे आपका भी, आपका भी झाड़ा लगवाएंगे आज। यहाँ पर आ गई चद्दर और निकल रहे हैं और जैद तो नीचे छुप गया, चद्दर खा रहे हैं, चद्दर, क्योंकि बच्चों को कुछ भी दो तो सीधा भैया मुंह में डालते हैं ना चीज, तो चद्दर मुंह में डाल। चलो भैया चलो, आओ जाते हैं। रेनो तो गाइस बच्चों की मालिश हो चुकी है, बस से आ रही है नींद, तो इसे सुलाने जा रही हूँ मैं। और इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ये बोलेंगे, हाँ हाँ बोल, हो गया। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।